जी बेटा हम कर रहे थे शेप्स ड्रॉ करनी, तो शेप्स ड्रॉ करने में पहले हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ का क्या मतलब है बेटा कि पहले ये डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस डिक्रीज करती है, फिर नोड पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज करती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। सो ये ग्राफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब आप 2p के लिए करोगे तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड क्या होते हैं, n माइनस एल माइनस वन, 2 माइनस पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1 माइनस वन, एल इज इक्वल टू आ गया 0। तो इसमें कोई भी नोड नहीं है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज होगी लेकिन नीचे नहीं जाएगी क्योंकि नोड प्रेजेंट नहीं है। 3p में देखो n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1 माइनस वन, 3 माइनस टू 1 आ गया। तो इसमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है फिर मिनिमम हो जाती है जब नीचे चलेगी, मतलब यहाँ पे नोड आ गई क्योंकि 3 के लिए 3 माइनस वन माइनस वन कितनी नोड आएगी 1, तो यहाँ पे एक नोड का होना ज़रूरी है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है फिर अगेन इंक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट सही नहीं बैठा क्योंकि बेटा हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ज़ाई स्केयर होता है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ाई स्केयर होता है ना कि आर। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट ठीक नहीं है, अगर ये कंसेप्ट ठीक नहीं है तो हमें एक न्यू कंसेप्ट की ज़रूरत थी, तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमने जो वाई एक्सिस है उसमें ज़ाई स्केयर लिया, ज़ाई स्केयर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, और एक्स एक्सिस पे हमने रेडियस ली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे हमने ज़ाई स्केयर लिया बिकॉज रेडियल वेव फंक्शन से जो ग्राफ है वो सही नहीं आ रहे थे, फिर हमने एक्स एक्सिस पे रेडियस लिया। तो जब हम ये 1s का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ज़ाई स्केयर और आर से तो ये बिल्कुल ठीक आएगा 1s के लिए। अगर मैं टोटल नोड्स देखूँ बेटा, स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन, टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। तो अगर मैं 1s के लिए टोटल नोड देखूँ तो 1 माइनस वन क्या होंगी 0, अगर 0 होंगी तो इसका मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती है और डिक्रीज करते करते मिनिमम हो जाती है लेकिन वो नोड रीजन में नहीं जा रही क्योंकि नोड आ रही है 0। सिमिलरली 2s के लिए भी टोटल नोड होगी n माइनस वन, 2 माइनस वन तो कितनी नोड आ गई बेटा 1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी, उसके बाद मिनिमम होके ये देखो यहाँ पे नोड बनी है, नोड बनी है, देखो यहाँ पे टच की ना, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज की क्योंकि इसमें एक नोड पाई जा रही है। अब ये ज़ाई स्केयर में हमें नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर से ही यहाँ पे नोड दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम होगी मतलब नोड आ गई और उसके बाद फिर इंक्रीज हुई, तो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इसने शेप ऑफ ऑर्बिटल बताई, जो शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको आएगी पेपर में वो मैं आपको ड्रॉ करने सिखा देती हूँ, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल के लिए बेटा क्या माना गया कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होते हैं, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की घटती है। देखो न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रही है प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होते हैं, न्यूक्लियस के पास देखो मैक्सिमम काला काला है मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना डिक्रीज कर रही है, तो ये हमें ज़ाई स्केयर से पता चला, ठीक है जी। अब आपको पता होगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ज़ाई स्केयर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होता है 4πr² dr, 4πr² dr को जब ज़ाई स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4πr² dr इनटू ज़ाई स्केयर आ जाएगा। दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है जो ज़ाई स्केयर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम से तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आएगी। अब अगर आप ये सोचो कि 4πr² dr कहाँ से आया है, तो कंसेप्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए बेटा देखो आपने दो स्फेयर ले लिए, जो अंदर वाला स्फेयर है उसका रेडियस है आर, जो बाहर वाला स्फेयर है उसकी जो रेडियस है वो है डी आर, तो जो टोटल रेडियस हो गई आर न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की वो होगी आर प्लस डी आर, ठीक है। तो पूरे शेल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सॉरी जो अंदर वाला शेल है उसका जो बाहर वाला शेल है दिस इज दिस पोर्शन, उसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस अंदर वाले शेल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर प्लस डी आर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर।
तो जब आप वॉल्यूम लेते हो किसी भी स्फीयर का तो होता है 4/3 πr³, इसमें r है r प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 πr³। फिर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और एट द एंड वॉल्यूम ऑफ शेल आपके पास आ जाएगा 4/3 πr² dr, विच कम्स आउट टू बी 4πr² dr। तो वॉल्यूम ऑफ शेल जो हमने यूज़ किया है वो यही यूज़ किया है 4πr² dr। तो अब तक हम ज़ाइस्केयर लिख रहे थे, अगर हम ज़ाइस्केयर की जगह 4πr² dr ज़ाइस्केयर लिखेंगे तब भी जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही आएगा। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, 4πr² dr into ज़ाइस्केयर। तो आगे जितने भी ग्राफ बने वो 4πr² dr से ही बनाए गए, बिकॉज द पीक ऑफ द कर्व गिव्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखो कर्व शुरू होती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो थी, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे जाके मैक्सिमम हुई, फिर डिक्रीज करने शुरू करी। तो लास्ट में जब हमने प्रोबेबिलिटी के कर्व बनाए तो कर्व के लिए हमने एक्स एक्सिस पे लिया 4πr² ज़ाइस्केयर और वाई एक्सिस पे लिया 4πr² ज़ाइस्केयर और एक्स एक्सिस पे लिया रेडियस। तो इसके बाद हमें एग्जैक्ट जो है ग्राफ मिले और हम एग्जैक्ट जो है वो शेप ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो अब आगे आ जाता है बेटा कि शेप्स आपने कैसे ड्रॉ करनी थी। देखो अब आपको जो है कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला है n-1। ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट डेंसिटी वाले रीजन है उनका फॉर्मूला होता है n। सपोज आपने 2s ऑर्बिटल की शेप बनानी है तो आपको पहले नोड्स पता होने चाहिए। नोड्स का फॉर्मूला है n-1। जो n-l-1 है वो स्फेरिकल नोड है। अगर टोटल नोड में से आपने बतानी हो कितनी स्फेरिकल है और कितनी एंगुलर है तो स्फेरिकल का फॉर्मूला होता है n-l-1 और एंगुलर का फॉर्मूला होता है l। क्योंकि s ऑर्बिटल में सिर्फ स्फेरिकल नोड ही होंगी तो स्फेरिकल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड होंगी तो उसमें एंगुलर का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर ये आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला आना चाहिए n-1। सपोज 2s की आपने शेप बनानी है तो n-1, 2-1 क्या आ गया बेटा, 1। तो इसमें कितनी नोड होनी चाहिए, 1। तो इसकी शेप कैसे बनेगी, एक नोड मतलब पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज, मिनिमम हो गया। अब नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ने कहा था कि आप यहाँ तक पहुँच के मतलब नोड आ गई, फिर बेटा फिर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियस के पास पाई जाने की संभावना पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करके नोड आती है, क्योंकि इसकी नोड आ रही है 1, तो ये आ गई बेटा आपकी नोड, एंड अगेन फिर इंक्रीजेज एंड फिर डिक्रीजेज। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये छोटा क्यों बनाया ये बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि बेटा 2s है, सेकंड शेल का बड़ा बनेगा फर्स्ट शेल का छोटा बनेगा। सिमिलरली 3s का देखोगे तो टोटल नोड आ जाएंगी 3-1 2, तो दो नोड होने चाहिए। तो पहले शेल के लिए नोड यहाँ पे आई, पहले प्रोबेबिलिटी इंक्रीज की फिर डिक्रीज नोड, फिर इंक्रीज की फिर डिक्रीज ये दूसरी नोड, तीसरी नोड सबसे ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि थर्ड शेल है। ठीक है, सिमिलरली 4s के लिए आ जाएंगी 3 नोड, 4-1 3 नोड, तो 1, 2, 3 नोड और चौथी सबसे बड़ी। तो इस तरह से आपने बनानी है। ठीक है जी, 2p के लिए बेटा जो नंबर ऑफ नोड्स आएंगी उसका फॉर्मूला होगा, p के लिए नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला होगा n-2 और नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन होगा n-1। ठीक है जी, तो 2-2 0 नोड और प्रोबेबिलिटी का जो रीज़न है वो भी मैक्सिमम हो गया। तो देखो पहले प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करी फिर डिक्रीज की, तो इसमें 0 नोड आएंगे। सेम बेटा 3 के लिए चलेगा। तो इस तरह से आप सारी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी ड्रॉ करने के लिए आई नोड्स के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला लगा। ठीक है, वैसे जो मेनली शेप आती हैं आपको, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आपने प्लस वन में कर रखी हैं बेटा। जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप होती है स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप। अगर मैं 1s की बात करूँ तो न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, जैसे जैसे न्यूक्लियस के से दूर जाता है डेंसिटी डिक्रीज करती है। 2s का मतलब बेटा दो शेल है। ठीक है जी, ये देखो ये एक शेल हो गया फिर ये दूसरा शेल हो गया, 2s का मतलब दो शेल है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी मैक्सिमम है फिर वो डिक्रीज कर रही है, और ये जो वाइट वाला रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल ख़त्म होगी, तो ये रीज़न है बेटा नोड रीजन। क्योंकि 2s में कितनी नोड होंगी, एक नोड होगी, तो नोड आ गया, फिर नोड के बाद फिर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने के, इसलिए काला रीजन आ गया। जब 3s है तो 3s में कितनी नोड होती हैं, दो नोड, और आपको पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, तो आपने तीन पहले शेल बनाए, एक शेल
दूसरा शेल, तीसरा शेल। अब न्यूक्लियस के पास पहले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते होते मिनिमम होगी तो नोड आ गई बेटा, नोड के बाद फिर से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज की और मैक्सिमम हुई और फिर डिक्रीज हुई, फिर दोबारा से दूसरी नोड आ गई और फिर तीसरा शेल में फिर से इंक्रीज हुई और तीसरे शेल तक ही बनाना है, तो दिस इज 3s ऑर्बिटल। तो इस तरह से आप जो है s ऑर्बिटल की शेप बना सकते हैं। जो p ऑर्बिटल होते हैं बेटा उनमें l की वैल्यू 1 होती है, अगर l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 एंड +1। तो इसका मतलब p ऑर्बिटल में तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, देखो तीन ऑर्बिटल पॉसिबल है, -1, 0, +1, एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz। तो जब 2px की शेप बनानी है तो देखो बेटा तीन एक्सेस बना लो, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये z एक्सेस। जब 2px बनानी है तो जो आपने डंबल है वो x एक्सेस पे बनाना है। प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। जब आपने 2py बनाना है, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज z एक्सेस, तो जो आपका py ऑर्बिटल है वो किस पे बनना चाहिए बेटा, py एक्सेस पे बनना चाहिए, ठीक है जी। जब आपने 2py बनाना है तो जो आपका ऑर्बिटल है वो y एक्सेस पे बनना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है इंक्रीज कर रही है। जब 2pz है बेटा तो एक x एक्सेस, एक y एक्सेस, एक z एक्सेस, ठीक है। तो जो आपका डंबल शेप है वो किस पे बननी चाहिए, डंबल आपका z एक्सेस पे बनना चाहिए। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह से आप P की शेप बना सकते हैं, ठीक है। शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल, d के लिए बेटा l की वैल्यू 2 होती है, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2। मतलब d के पांच ऑर्बिटल या पांच शेप पॉसिबल है, वो शेप कौन सी होती हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz²। जैसे p में एक डंबल बनता था, ठीक है, एक डंबल बनता था क्योंकि इसमें l की वैल्यू 1 थी, ठीक है। एस में कोई एंगुलर नोड नहीं थी क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, ठीक है, इसीलिए सफेरिकल था। पी की शेप है डंबल शेप। डी में बेटा शेप होगी डबल डंबल शेप, दो डंबल आपको बनाने पड़ेंगे डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो देखो डी ऑर्बिटल में जब आपने डी एक्स वाई बनाना है तो सिंपली आपने पहले तीन कोऑर्डिनेट बना देने हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जब आपने एक्स वाई बनाना है तो आपने बेटा क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इन्होंने ज़रा शेप्स थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंगली बनाई है, लेकिन मैं अगर आपको ट्रिक दूं कि जब आपने बनाना है, एक सेकेंड, जब आपने बनाना है बेटा डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, पहले तो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब आपने डी एक्स वाई की शेप बनानी है तो बेटा एक डंबल बनाना है एक्स और वाई को छोड़ के, एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई को छोड़ के एक्सिस कौन सा बचा, जेड एक्सिस। एक डंबल बनाना है जेड पे और दूसरा बनाना है एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एक डंबल बनाना है, तो एक्स और वाई ये है, इन दोनों के बीच में एक डंबल बनाना है। इस तरह से दो डंबल बनाने हैं आपने, ठीक है। जब आपके पास आ गया डी एक्स जेड, तो x और z को छोड़ के एक डंबल बनाना है y एक्सिस पे और एक बनाना है x और z के बीच में, x और z के बीच में मतलब इसमें x और z। जब आपने को आया d yz, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, yz मतलब एक डंबल बनाना है आपने x पे, yz को छोड़ के कौन सा कोऑर्डिनेट रह गया x, और दूसरा बनाना है y और z के बीच में, y और z के बीच में, ठीक है। इस तरह से आपने डंबल बनाने हैं। जब आपको आया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या करना है, एक एक्स एक्सिस पे डंबल बनना है, एक वाई एक्सिस पे बनना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। जब आया बेटा डी जेड स्क्वायर, तो आपका एक डंबल z पे बनना है और एक x और y के बीच में ऐसा गोला बनना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, जब xy बनाना है तो डंबल xy के बीच में और दूसरा z पे, जब xz बनाना है तो डंबल एक y के ऊपर और एक xz के बीच में, जब yz बनाना है तो एक डंबल x एक्सिस पे, एक yz के बीच में,
जब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बनाना है तो एक एक्स पे और एक वाई पे, जब स्केयर आ जाए तो उसी एक्सिस पे बनाना है, अगर एक्स स्केयर है तो एक्स पे, वाई स्केयर है तो वाई पे। अब जेड स्केयर है तो एक डंबल जेड पे और दूसरा जो गोला है वो एक्स और वाई के पूरे ऊपर, ठीक है जी। इस तरह से आप शेप बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी आपने वही ड्रॉ करनी है कि न्यूक्लियस के पास जो है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। एक ये शेप है बेटा 3px, 3px की शेप कैसी है देखो, 3px n माइनस वन, नोड कितनी आएगी 3-1, आपके पास यहाँ पे जो है दो नोड्स टोटल आनी चाहिए, ठीक है, आपके पास दो नोड्स टोटल आनी चाहिए। तो आपका जो है आपके पास दो नोड्स आनी चाहिए, तो क्या है बेटा आपको, आपने पहले एक्स एक्सिस, क्योंकि पी एक्स है तो एक डंबल आपने एक्स एक्सिस पे बना दिया, एक्स एक्सिस के बना दिया, उसके बाद एक सफेरिकल नोड आएगी। सफेरिकल नोड का आपको कैसे पता चला, क्योंकि अगर मैं एंगुलर नोड देखूं तो एल की वैल्यू है 1, ठीक है, ये एंगुलर नोड आ चुकी है, एंगुलर नोड होती है सेंट्रल में, वो एंगुलर नोड तो आ चुकी है, ठीक है। अब जो दूसरी नोड होगी वो सफेरिकल नोड होगी, क्योंकि सफेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, तो 3p में 3-1-1, तो एंगुलर नोड सफेरिकल नोड भी एक आएगी, एंगुलर नोड होती है सेंटर में वो आ चुकी है, तो जो दूसरी नोड है वो सफेरिकल होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने ये स्पेस छोड़ा हुआ है, दिस इज सफेरिकल नोड। तो टोटल नोड दो हैं, टोटल नोड दो हैं, एक एंगुलर नोड है जो सेंटर में है और दूसरी नोड क्या है सफेरिकल। तो पहले पहले डंबल जो है वो एक्स एक्सिस पे है, फिर सफेरिकल नोड आई और फिर से जो है वो डंबल बन गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप 3px का भी बना सकते हैं, ओके। शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल बेटा करने की ज़रूरत नहीं है, एफ ऑर्बिटल की शेप्स जो है वो पूछी नहीं जाती, तो एफ ऑर्बिटल का आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पोर्शन आप, ये वाला उसके बाद नोड्स और नोडल प्लेन वाला पोर्शन छोड़ भी सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद बेटा बेसिकली आ जाता है, इसमें से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम में से भी नहीं कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद ऑफ बॉ रूल आ गया, जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ऑफ बॉ रूल, ठीक है। उसके बाद हुंड रूल है, वो भी समझा चुकी हूँ, पॉलीज रूल भी समझा चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है वो भी समझा चुकी हूँ, तो ये मैं अब दोबारा नहीं बताऊँगी। हाँ, ये ज़रूर बताऊँगी क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड क्रोम कॉपर, ये मैं दोबारा से बता दूँगी, ठीक है जी। और ये आगे थोड़ा सा रह गया, ये चैप्टर कल ख़त्म है।